अहम खबर अब तक पहुंच गई है। इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से अहम फैसला सामने आ चुका है और इस अहम फैसले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अदालत ने कलअदम करार दे दिया है और केस में मुलजिमान को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स इस केस में दिए हैं और इस केस का फैसला आ चुका है। एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ मिल चुका है मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज को। अदालत ने जो फैसला सुनाया गया था एहतसाब अदालत की जानिब से उसे कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम केस का फैसला सुना दिया है। कुछ देर पहले फैसला महफूज किया गया था। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के लिए बड़ा रिलीफ है। अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुना दिया है। कुछ देर पहले फैसला महफूज किया गया था और मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ मिल चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया है। सजा के खिलाफ अपीलों पर यह समाप्त थी और कलअदम करार दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस अहम केस का फैसला सुना दिया है और आज इस समात में अदालत ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि नैब ने उस तरह से इस केस को पुट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था और नैब ने कुछ चीज़ें साबित करनी थी और तहरीरी कुछ भी जमा नहीं कराया गया। जबानी कलामी बात ना करें। अदालत ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं इस केस में और नैब की सरजनिश भी की है। आज बरी करने का फैसला सुना दिया है कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी करने का फैसला सुना दिया है। इस अहम केस में अहम फैसले में ये आज सामने आया है। मरियम नवाज को बड़ा रिलीफ मिल चुका है।